नमस्कार, मु सर्वप्रथमे आपण मानको नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा जणाउछि। आशा करूछि नववर्ष आपण मानको पई समस्तन पई मंगलमय हो। आज मु राज्यर सांप्रतिक कोविड परिस्थिति विषय रे आपण मानको किछि जणाय पई जाउछि। आपण मान जानछन कोविड रो प्रथम एवं द्वितीय लहरी समय रे आपण मानको सहयोग रे आम राज्य ओडिसा खूब सफलतार सहित दुईट जाक लहरीर मुकाबला करथिला एवं आम राज्य रे समस्त रोगी मान चिकित्सा पई बहुत भल व्यवस्था ग्रहण करा जायथिला। वर्तमान सारा देश रे एवं आम राज्य रे तृतीय लहरी कोविड रे चलीछि एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट जोगो जोटा के बहुत शीघ्र संक्रमण होउचे ता जोगो संक्रमण बहुत फास्ट बढ़ुचे विभिन्न राज्य रे। आम राज्य रे ए तृतीय लहरी जो आरंभ होइचे से समय रे आपण माने जानिथिबे माननीय मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे जनसाधारण को जीविका को अधिक प्राधान्य दिहाइचे एवं जो कोविड गाइडलाइन करा हैछि सेतिरे जनसाधारण को जीविका जेमिति प्रभावित न होबो एवं जीविका को बजाय रखि आमे किभलि कोविड रो सफल मुकाबला करि परिबा से विषय अधिक ध्यान दिया जायछि एवं सेति पई हमर राज्य रे वर्तमान पर्यंत जनरल शटडाउन बा लॉकडाउन इत्यादि करा जाय नै। आपण मानको सहयोग रे ए पर्यंत तृतीय लहरी रो सफल मुकाबला आमे माने करूछु। ए गाइडलाइन रे केवल भीड़ नियंत्रण करिया पे अनेक गुडे व्यवस्था अछि। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश क्रमे तृतीय लहरी आरंभ मात्रे खूब कम दिन भितर प्राय सात दिन मध्य राज्यर समस्त डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल गुड़े प्रत्येक जिले रे ताको कार्यक्षम करा जायछि। सेथिरे पर्याप्त परिमाण ऑक्सीजन मेडिसिन्स डॉक्टर एवं पारामेडिकल स्टाफ ए समस्त व्यवस्था करा जायछि एवं सबो हॉस्पिटल को कार्यक्षम करा जायछि। वर्तमान राज्य रे गत सात दिन धरी प्राय 10,000 रु 11,000 कोविड पॉजिटिव पेशेंट प्रतिदिन बाहर चंती एवं याको आखे रखे के आमे जे देखिबा हॉस्पिटलाइजेशन वर्तमान प्राय 2% पेशेंट कर हॉस्पिटलाइजेशन दरकार पड़ुछे जोटा कि 10-12% पेशेंट फर्स्ट एवं सेकेंड वेव रे हॉस्पिटल को जाउथिले। तेणु 100 जन रे आगर जदि 10 जन हॉस्पिटल जीवा को पड़ुथिले वर्तमान 100 जन रे मात्र 2 जन हॉस्पिटल को जाउछन। से जो गत 15 दिन रो हमर जो एक्सपीरियंस अछि से एक्सपीरियंस अनुसार जहाँ जाना पड़ुछे ऑक्सीजन आईसीयू एवं वेंटिलेटर मध्य रिक्वायरमेंट गत वेव मान को तुलना रे बहुत कम अछि। तेणु मु अनुरोध करिबे राज्यवासी को ए जो तृतीय वेव वर्तमान चलछे सेतिरे आपण माने भयभीत होवार कोनोसी कारण नाही भय करिवार कोनोसी कारण नाही एवं कोविड परिस्थिति रो आमे जेमिते पूर्वरो मुकाबला करथिले राज्य सरकारंकर जते कोविड गाइडलाइन इशू करा हैछे ताकु ठीक भाबे पालन करबा एवं कोविड गाइडलाइन को आमे समस्त मानिबा। ए पर्यंत आम राज्य रे मात्र 10% हॉस्पिटल बेड ऑक्युपाइड अछि एवं प्राय 90% वर्तमान खाली अछि। त माने नहि आमे अवहेला करबा कारण वर्तमान पर्यंत कोविड रो संक्रमण द्रुत गति रे चली छि एवं गत सप्ताह हला प्राय 10,000 रु 11,000 प्रतिदिन केस रहउछि। आमे जदि अवहेला करबा ए संख्या आहुरी अधिक बढ़ी जाय पारे सेति पे आमे समस्त सतर्क रहबा एवं राज्य सरकारंकर जो कोविड गाइडलाइन सब इशू करा हैछि ताकु स्ट्रिक्टली समस्ते मानिक चलेबा। बाहर को जत्ते बेले समस्ते जाउचन विभिन्न काम रे जेहेतु जीविका अर्जन पई समस्त को वर्तमान अलाउ करा हैछि विभिन्न एक्टिविटी सब चलीछि सेते बेले समस्ते मास्क पिंधिक रहिबे मास्क प्रॉपर्ली पिंधिक रहिबे बाहर को जत्ते बेले जाउचन अन्य मान को सहित कथा हला बेले सब बेले बाहर मास्क पिंधिक रहिबे एवं कोनोसी समय रे गहळी कोठी करिबे नै बा गहळी अंचल को जिबे नै। ता छडा परिवार रो जो माने सब अछंते वल्नरेबल लोक जो माने अछंते परिवार रे जेमते वयस्क व्यक्ति
गर्भवती महिला छोट पिला माने जो माने वैक्सीन नहीं नहांते से समस्त को जमते रोग कोविड स्प्रेड हबो नहीं सेति पे समस्ते दृष्टि देबे लक्षण कोविड रो लक्षण आसला मात्रे संगे संगे टेस्ट करै नेबे एवं डाक्टर मान को परामर्श करी कि जहाँ जहाँ मेडिसिन दिया जाउछे से सब नेबे कारण आम राज्य रे समस्त प्रकार मेडिसिन एवं ट्रीटमेंट मागणारे जोगाई दिया जाउछे। आसंता किछ दिन आम राज्य पे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री मध्य आपण मानको समस्त को अनुरोध करछन्थि राज्यवासी को अनुरोध करछन्थि आसंता किछ सप्ताह आम स्ट्रिक्टली कोविड गाइडलाइन मानि चलिबा निहाती आवश्यकता नथिले भिड़ जगह को बाहर को जीवेनि एवं आम जदि समस्ते माननीय मुख्यमंत्री जो अनुरोध अच्छी ताको रक्षा करिबा एवं कोविड गाइडलाइन को प्रॉपर्ली मानिक चलिबा भय न करी कोविड रो मुकाबला करिबा सब बेले जो मास्क इत्यादि पिंधिबा एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब जगह रे आम देखेबा ताहले मु आशा करूछे आम तृतीय लहर रो सफल भाव मुकाबला करि परिबा। मु आशा करूछे आपण माने समस्ते तृतीय लहर रो मुकाबला रे राज्य सरकार को सहयोग करिबे एवं खूब अल्प दिन भितरे आम कोरोना कबल रु आम राज्य को मुक्त करि परिबा। धन्यवाद। नमस्कार।